लोग सब, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। एंड आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है कल जहाँ से हमने अपना ब्लॉग ख़त्म किया था, क्योंकि कल मैं आपको रिजल्ट्स वाक नहीं दिखा सका था। तो मैंने सोचा आज एक बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है, बहुत अच्छा मौसम है आज, तो मैंने सोचा आज लेके चलता हूँ आपको और आज आपको रिजल्ट्स वाक दिखाता हूँ। तो आई एम ऑन माई वे टू रिजल्ट्स वाक और मैं आपको मिलूंगा सीधा रिजल्ट्स वाक में। तो गाइज आई एम ऑलमोस्ट हेयर एट रिजल्ट्स वाक और मैं पहुँच गया हूँ, एकदम पास में ही हूँ। लेकिन यहाँ पर पता है एक बात है यार, मेरे को ना ऐसे मतलब व्लॉग करने में यहाँ पर बस एक ही चीज़ की प्रॉब्लम रहती है मेरे को, क्योंकि यहाँ पर ना फ़ोन स्नैचिंग वगैरह होती है, तो वो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, कोई आसपास तो नहीं है मेरे यू नो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। मैंने अपने पहले व्लॉग में भी बताया था इस बारे में कि हमारे एकोमोडेशन के पास एक लड़की का फ़ोन छीन लिया था, और रिसेंटली मेरी एक क्लासमेट है उसके साथ भी ऐसा ही हुआ, उसका भी फ़ोन छीन लिया था किसी ने। तो इस चीज़ का बस ख्याल रखना पड़ता है यहाँ पर। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस रिजेंट्स पार्क के ऑपोजिट में अगर हम इसके दूसरे एंड जाएंगे तो लॉर्ड्स का जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, लॉर्ड्स स्टेडियम, वो भी वहीं पर है। तो आज तो वहाँ नहीं जा पाएंगे, उसका भी एक व्लॉग बनाऊंगा किसी दिन। अगर आपको लॉर्ड्स का व्लॉग देखना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, तो लॉर्ड्स का भी आपको मैं दिखाऊँगा। खैर बाकी अभी हम पहुँच गए, बहुत सारे लोग हैं अंदर मुझे दिख रहे हैं, चलें अब अंदर चलते हैं। तो भाई हम देखें पहुँच गए अंदर रिजेंट्स पार्क में, एंड ये बहुत बड़ा पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है, इतनी बड़ी पार्क है मेरे को लगता है कि कुछ नहीं कुछ 2-3 किलोमीटर पे होगी यार ये पार्क, इजी होगी 2-3 किलोमीटर पे। यहाँ पर साथ में ही पास में ही इसके ऑपोजिट साइड, उस साइड में लंदन जू भी है वहीं पर। तो फिलहाल हम आगे चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं और आपको बढ़िया सी चीज़ें दिखाता हूँ इसमें। देखो भाई अभी यहाँ पर ना छोटे बच्चों की गेम चल रही है फुटबॉल की, ये देखो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, आराम से खेल रहे हैं। अभी हमारे वहाँ पर होता है ऐसे एक आधे का सर फट गया होता। यहाँ पर ना पूरे मतलब ऐसे फुटबॉल की पिचेस ही पिचेस हैं और सारे लोग मतलब फुटबॉल खेल रहे हैं। वैसे क्रिकेट जो है वो इंग्लैंड से आया है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर फुटबॉल ना ज़्यादा पसंद करते हैं लोग क्रिकेट, मतलब क्रिकेट की तुलना में। खैर अभी आगे की तरफ चलते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को इधर देखा अभी मतलब यहाँ पर ना दौड़ रहे हैं, मतलब रनिंग कर रहे हैं वगैरह, फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं। और हमारे वहाँ पर 40-45 साल का होता है इंसान, उसकी हड्डियाँ दुखना शुरू हो जाती हैं। मैंने यहाँ पर बूढ़े बूढ़े देखे जो इस वक्त रनिंग वगैरह कर रहे हैं, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं। ये देखें भाई इन्होंने ना यहीं पर अंदर एक कैफ़े भी बना के रखा है इसके अंदर, पार्क के अंदर ही, क्योंकि पार्क तो बहुत बड़ी है तो आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा यहीं पर आके कॉफ़ी आप पी सकते हो। तो भाई मेरे पीछे आप देख सकते हैं क्वींस मैरीज गार्डन, ये रिजेंट्स पार्क के अंदर ही है। एंड अभी हम अंदर चलेंगे यहाँ पर और एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पर और क्या क्या है, बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। तो मुझे लगता है कि आपको ब्लॉग में मज़ा आ रहा होगा। तो ये जो है ये है असली गोल्ड ब्लॉग का, अंदर चलते हैं देखते हैं क्या क्या है अंदर। चलें जी हम आ गए हैं अंदर। अभी बात पता है क्या है, अभी विंटर्स चल रहे हैं ना, तो विंटर्स में ये सीन रहता है कि मतलब अभी ब्लॉसम वगैरह नहीं है पेड़ों में अच्छी तरीके से, तो स्प्रिंग में तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। एंड एक बार जब स्प्रिंग आएगा फिर इंशाल्लाह मैं फिर से इधर आऊँगा और फिर आपको एक यहाँ इसका एक फिर से टूर बनाएंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि स्प्रिंग में ये कितना अच्छा लगता है। तो यही मैंने आपको कल दिखाना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल बारिश थी तो कल मैं नहीं दिखा पाया, तो आज दिखा दिया। चले कोई बात नहीं, बट उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। बट इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत ज़बरदस्त है भाई, देखने वाली जगह है भाई। मेरे को ना पार्क में इधर एक मेरे सामने एक पक्षी है, बट मेरे को नहीं पता है कौन सा है, बट मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखो एक बार कितना खूबसूरत लग रहा है, ज़बरदस्त है, बतख सी लग रही है वैसे। भाई वो जो पक्षी वहाँ पर है ना, उन्होंने इस बेचारे को निकाल दिया है, ये अलग बैठा हुआ है, बड़ा उदास सा लग रहा है भाई। इस पेड़ का रंग कितना ज़बरदस्त है ना, खूबसूरत लग रहा है बहुत। कॉमेंट सेक्शन में बताओ आपको ये कैसा लगा, मेरे को तो भाई अच्छा लगा है बहुत, एकदम वो अलग सा येल्लो सा कलर है इसके पत्तों का और बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है। देखो इसके नीचे हूँ मैं अभी, गुड भाई गाड़ी चेकआउट करो, ये देखो ये मेरे को दिखी जाते हुए कोई एंटीक सी गाड़ी है फोर्ड की, कितनी ज़बरदस्त लग रही है भाई, पुरानी फोर्ड मस्टैंग है, आई डोंट नो 1970s या 1960s कब की है, बट बहुत पुरानी है, बट एकदम ज़बरदस्त कंडीशन में मेंटेन करके रखी हुई है। चलें गाइस इसी के साथ आज के ब्लॉग को करते हैं एंड, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड ऐसे ही अपना प्यार देते रहें और मिलते हैं आपसे एक अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय, आई विल सी यू सून।